आज की हमारी रेसिपी है बच्चों की बर्थडे पार्टी या इवनिंग स्नैक्स के लिए सैंडविच बाइट्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पुज देसी किचन। तो चलिए बनाते हैं सैंडविच बाइट्स। सैंडविच बाइट्स बनाने के लिए उबले हुए आलू को अच्छी तरह मैश कर लेते हैं। इसमें अब बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, हरा धनिया और एक से दो हरी मिर्च जिसके बीज निकाल लिए हैं वो ऐड करेंगे। सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से और बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। एक बोल में दो बड़े चम्मच मैदा लेंगे स्लरी बनाने के लिए। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको घोलते जाएंगे और एक मीडियम थिकनेस की स्लरी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी रहनी चाहिए। इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिला लेंगे। ये होममेड ब्रेड क्रम्स है, इसके लिए हमने 5 से 6 स्लाइसेस ब्रेड को अच्छी तरह टोस्ट कर लिया है टोस्टर में और फिर इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। इस तरह से हमारे ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो गए हैं। बाइट्स बनाने के लिए हम ब्रेड स्लाइसेस लेते हैं। आप वाइट या ब्राउन कोई भी ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल की है। इसके क्रस्ट एक शार्प नाइफ की मदद से हम निकाल लेते हैं। अब हम ब्रेड के ऊपर शेजवान सॉस स्प्रेड करेंगे। आप ग्रीन चटनी या बटर भी स्प्रेड कर सकते हैं। अब जो हमने आलू का पेस्ट बनाया है वो आलू का पेस्ट इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे अच्छी तरह। एक चीज स्लाइस को लेकर आलू के पेस्ट के ऊपर रखेंगे, दूसरे स्लाइस से हम ब्रेड को कवर कर देंगे। अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। इस तरह से हम इसके ब्रेड के पीसेस को काट लेंगे। सारे बाइट्स बनकर तैयार हैं। सैंडविच बाइट्स को मैदे की स्लरी में डिप करेंगे एक एक करके और फिर ब्रेड क्रम्स में इसको रोल कर लेंगे। इस तरह से हम सारे सैंडविच बाइट्स को ब्रेड क्रम में रोल करते जाएंगे। सारे सैंडविच बाइट्स बनकर तैयार हैं। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। एक पैन में ऑयल को मीडियम टेम्परेचर पर गर्म कर लिया है। अब इसमें सैंडविच बाइट्स को एक एक करके डालते जाएंगे। जब बाइट्स एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसको टर्न करके दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। सारे सैंडविच बाइट्स इसी तरह से हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। सैंडविच बाइट्स बनके तैयार हैं। आप इसको हरी चटनी या टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो सबके साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।